यह मैच एमडीयू वर्सेस हरियाणा के बीच पहला सेमीफाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। रिंडाणा की टीम में है प्रदीप नरवाल, पहले रेड पे टैकल कर लिए गए नीरज नरवाल। अब रेड पे चला है प्रदीप नरवाल, सेमीफाइनल की पहली रेड रिंडाणा की तरफ से। जितने साथी खड़े हैं और समिति से प्रदीप नरवाल बहुत ही कम दिखता है मिट्टी के मैदान में। देखो स्टेज पर से खेलते हैं रनिंग हेड टच, अभी आपका सेमीफाइनल प्रदीप नरवाल और गांव की तरफ से जो टीम है हरियाणा टीम है। अभी आपके बीच में सेमीफाइनल का मैच एमडीयू वर्सेस हरियाणा, ये खिलाड़ी आपके मैच चल रहे हैं और ये दोनों ही टीमों में बेहतरीन खिलाड़ी, दोनों ही टीमों में प्रो कबड्डी खेलने वाले खिलाड़ी हैं। बहुत ही शानदार मैच खेलते हुए हमारे अब फिर से रेड पे प्रदीप नरवाल खिलाड़ी और हरियाणा के खिलाड़ी प्रदीप नरवाल ने लिया सुपर रेड 3 पॉइंट। बहुत ही बेहतरीन मुकाबला देखने को मिलेगा। यह मैच आप कबड्डी ऑल आउट चैनल पे देख रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसे ही मैच हम आपके लिए लाते रहते हैं। कमेंट करके बताएं क्या प्रदीप नरवाल इस मैच में सुपर 10 लगा पाएगा। फिर से प्रदीप नरवाल, भाई मनीष अहरी एक्सप्रेस फर्स्ट सर्विस वाले हमारे बीच में उपस्थित हैं, बहुत ही अपना कीमती समय निकाल करके आपके बीच में आए। क्या खूबसूरत टैकल किया अमन अंटिल ने, बेहतरीन टैकल किया प्रदीप नरवाल को इस मैच में, पहली बार टैकल किया गया। और आपके वार्ड में हमारे जिला परिषद के सदस्य वार्ड नंबर 8 से भाई जोगेंद्र माथुरली जी भी आपके बीच में पहुंचे हैं। मैं पुनः आयोजन समिति की तरफ से उनका हार्दिक धन्यवाद अभिनंदन करता हूं। दोनों ही टीमों में बेहतरीन खिलाड़ी, अब रेड पे चला 9 नंबर की जर्सी में नितिन। अब रेड पे चला है पवन का ध्यान, सामने है 5 का डिफेंस। रेड पर है पवन एमजीओ की तरफ से। दो और ढाई रेड पे चला है नीरज नरवाल, भाई साहब देख रहे नीरज नरवाल है भाई, जो साथी स्टेज के सामने खड़े हैं, मेरा उनसे बार बार अनुरोध है कि स्टेज के ऊपर बैठे भाई थोड़ा सा साइड में हो जाए या अपनी कुर्सी लेके बैठे। देखो मैच का सब बेहतरीन कॉम्बिनेशन टैकल रिंडाणा की टीम का, बहुत बढ़िया मैच चल रहा है, मैच का आनंद लीजिए और दूसरों को भी आनंद खड़ रहे हैं रिंडाणा। सुपर रेड लगा दी, देखना होगा 3 पॉइंट की रेड लगा दी रिंडाणा के रेडर ने। रिंडाणा की तरफ से यह दूसरी सुपर रेड थी।
एमडीयू की टीम का अब आखिरी खिलाड़ी चला है रेड पे। शुरुआती लम्हों में रिंढाणा के पास एक अच्छी लीड, ऑल आउट हुई एमडीयू की टीम, 3 points to Rindhana। इस मैच को पलट के रख दिया है प्रदीप नरवाल और उनके साथी खिलाड़ी ने, दोनों ने एक एक सुपर रेड लगा दी है। आठ पॉइंट की लीड है रिंढाणा के पास। रिंढाणा 12 और एमडीयू 4। प्रदीप नरवाल को टैकल कर लिया गया है एंकल होल्ड के द्वारा। सौरभ नंदल का एंकल होल्ड, एमडीयू की टीम सजी है प्रो कबड्डी खिलाड़ियों से। यह मैच आप कबड्डी ऑल आउट चैनल पे देख रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले। पवन कादान रेड पर एमडीयू की तरफ से। ये इस प्रतियोगिता का पहला सेमीफाइनल है। थंबनेल खातर किचो थंबनेल इसके फोटो बात बनाया है। थंबनेल कौन सा आपका? हरियाणा स्पोर्ट्स चैनल ना, कौन सा आपका बनाया रखते हो? हमने लैपटॉप बनाओ, ऐप कौन सा यूज करा रहा है? यह राइडर पहले भी एक सुपर राइड लगा चुका है। कोई दिक्कत नहीं भाई, जाती हुई गाड़ी दिए काम ने। बोनस का प्रयास राइडर के द्वारा, क्लियर कट भाई साहब से आगे रेफरी को हम अपील कर सकते हैं। रेडर आउट। अब फिर से रेड पे प्रदीप नरवाल। इस मैच में प्रदीप का बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन। बोनस का प्रयास पवन कादान के द्वारा।
गेम टाइप कॉम्बिनेशन टैकल भाई फर्स्ट कॉल सेकंड सेमीफाइनल एमडीओपी वर्सेज महम आपके लिए पहली पुकार है भैया दोनों टीमें अपने आप को गर्म करें रेड से वन पॉइंट टू और ढाई रेड पे आया है प्रदीप नरवाल प्रदीप नरवाल ने जयदीप दिया को टच किया और एक और पॉइंट अपने जयदीप को आउट किया जयदीप कथुरा एमडीओ की तरफ से खेलते हुए सोनू कथुरा भाई 16-7 बहुत ही बढ़िया रनिंग हैंड पॉइंट मिला एमडीओ अब रेड पे फिर से प्रदीप नरवाल प्रदीप नरवाल फिर रेड पे सोलह आठ स्कोर इन फेवर ऑफ रिंधाना दो पॉइंट के साथ अब लीड घटके हुई छह पॉइंट की भाई मनीष सहरी एक्सप्रेस फर्स्ट सर्विस वाले मैच का आनंद लेते हुए और उन्होंने अपने नेक कमाई से 11,000 रुपए का जो कमेटी को योगदान किया मैं समस्त कमेटी की तरफ से उनका पुनः जो है धन्यवाद करता हूँ आप विभीषण सुनो भाई देखते हैं रेफरी का क्या फैसला होगा दोनों प्लेयर पीछे हो जाओ राइटर का फैसला वन पॉइंट बदला भाई एक ही पॉइंट है ऐसे प्लेयर का आप धन्यवाद करते हैं देखिए प्रतिम ने अपना ईमानदारी दिखाई है और वही खिलाड़ी अच्छा होता है खेल को खेल की भावना से खेला जाना चाहिए दोस्तों मंच पर विराजमान हमारे बीच में जिला वार्ड नंबर 8 के जिला पार्षद आपके छोटे भाई आपका बच्चा बहुत ही समाज सेवी भाई जोगिंदर मसरोली जी आपके बहुत ही व्यस्त समय में आपके इस पावन धरा पर आपका मैच का उपस्थित दर्ज कराते हुए हमारे बीच में पहुंचे हैं मैं समस्त कमेटी की तरफ से बार बार धन्यवाद करता हूं एमडीओ नीरज नरवाल रेड पर गांव का थोड़ा फर्म स्टूडेंट है प्रदीप नरवाल है थर्ड रेड पर भाई अठारह रिनाना और 12 एमडीओ
देखिए पूरे प्रदेश में आपका जो मैच उसका लाइव प्रसारण रेड राउट गेट पर है एमडीओ की तरफ से रेड राउट रेड राउट 19-13 हाफ टाइम का स्कोर 19-13 इन फेवर ऑफ ढिंडाड़ा बताना के फायदा ना था ये पीछे बैठ जाओ बजे स्टेज पर कोई दिखता नहीं रेड रिसीव 1 पॉइंट एमडीओ बोनस बोनस टू रेडर 20-14 MDO नीरज निर्मल है रेड पर गांव का धूरा है प्रो कबड्डी के स्टार एक भाई देखते क्या होगा टू पॉइंट एमडीओ 16-20 20-16 का स्कोर है रेडाणा के पक्ष में 20 और 16 एमडीओ वन पॉइंट रेडाणा भाई जलपाउ की तरफ जो टीम है वो है रेडाणा रेड रिसीव 2 पॉइंट्स रोड की तरफ सॉरी और गांव की तरफ जो टीम है ये है अब रेड में चला है प्रदीप नरवाल प्रदीप नरवाल है रेड पर बोनस टू रेड और नीरज नरवाल हेड पर सुपर टैकल होना है देखते हैं क्या हो रहा है 1 पॉइंट MDO रोहतक वैपुन दर्शकों से मेरी अपील है
कि अभी भंडारा चालू है, जिस किसी साथी ने प्रसाद हिंडाना वो प्रसाद लेके ना दोबारा मैच में आने का कष्ट करे। और स्कोर होगा भाई इक्वल दोनों टीमें बराबर 23-23। बहुत ही कांटे की टक्कर फिर नेट पर प्रदीप अग्रवाल। पहला सेमीफाइनल ये चुना डाले भाई बोनस नहीं बेटा, बोनस बोनस पर बेटा का फैसला ओनली बोनस। और ये स्कोर 25-23 रंगाना पहली बार लीड करते हुए एमडीयू टीम। और नीरज नरवाल है भाई रेट पर एमडीयू की तरफ से गांव है अथूरा। बोनस एमडीयू और शकोर हो गया भाई 26-23। पॉइंट मिला प्रदीप को 24-26। 24 रन है 26 एमडीयू रोहतक। फाइनल की तरह मैच है भैया पॉइंट मिले नीरज को एमडीयू की टीम की तरफ से खेलते नीरज अग्रवाल। टू पॉइंट प्रदीप नरवाल। एमडीयू 27 रिटर्नर 26 कांटे का मुकाबला भाई एक पॉइंट के लिए एमडीयू के पास। फिर रेड पर प्रदीप नरवाल देखते हैं क्या करेंगे। बैठ जाओ भाई। मैच का आनंद लेते हुए मंच पर विराजमान भाई जोगिंदर माथुरोगी जी हेलो सेकंड सेमीफाइनल में इस प्रकार पवन बादल को और किया है रंगाना की टीम ने। रंगाना 28 और एमडीयू 27 सुपर टकर और भाई प्रदीप अग्रवाल बैट पर
को मैच का नहीं पता भाई, किसकी जीत के बारे में चला जाए, इसी को कहते हैं भाई प्यार से खेलना, और जीत हार जीत एक ही होगी। तो आप प्यार से इसका आनंद ले, बहुत ही जबरदस्त मुकाबला आपके बीच में। अगली टीम एम यूनिवर्सिटी 27 रेकॉर्ड रेड है 28 सुपर नगर है थर्ड रैंक प्रतिनिधर वाल रेड पर सुपर टैकल होने भाई और ये प्रतिनिधि वाल के पक्ष में पापा रंजाना की 2 पॉइंट ग्रीड है 29-27 रेंडाना। बोनस एमडीयू और को एक पॉइंट ओवर के बड़ा बोलते हुए 28 एमडीयू रेडर 30 और ये ऑल आउट के कंधार पर एमडीयू। देखते हैं क्या हुआ। एक बार मैं छोड़े आड़ा आज एक बार लाइट डाला चल दिया भाई लाइट डाला चल दिया ये भाई बिजली वाले से मेरी प्रार्थना है 28 एमडीयू रोहतक ग्राउंड नंबर 2 के साथ पहुंचे भाई जहां भी मेरी आवाज सुन रहे हो भाई जो हमारा 5 पॉइंट लीड है पहुंचना कष्ट करे भाई भाई लक्की सिंह साथी एक बार ग्राउंड में पहुंचना कष्ट करे हमारे लक्की सिंह साथी ने जो है ना देखो दिन का रात का दोनों दिन बना दिया बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है और पुनः साथी से मेरी अपील है कि अभी एक बार जाके ना और वो उसको उपस्थित 29-34 हमारे वार्ड नंबर 8 के जिला पार्षद भाई जोगेंद्र जी अपनी नेक कमाई से 1000 रुपए की सहायता राशि प्रदान करी ₹21,000 उन्होंने अपने नए कमाई से इस आयोजन समिति को दिए मैं उनका खुद पॉइंट आगे दौड़े दो एक बोला ने दो लास्ट इवेंट भाई भाई एमडीयू बी और महम की टीम तैयार है। देखो अभी टाइम काफी हो चुका है ये मैच खत्म होते हैं तुरंत दूसरा मैच स्टार्ट कर दिया जाएगा। मेरी मंच के माध्यम से पुनः अपील है एमडीयू बी और महम की टीम तैयार है जीत की तरफ बढ़ती हुई 36 रेनाड़ा 30 एमडीयू रोहतक छह पॉइंट आगे चल रही रेनाड़ा ग्राउंड टीम आखिरी 2 मिनट Thank you.
नोट करें आपके दोनों टाइम आउट हो चुके हैं। चलो जी शुरू कराओ। पवन कातान रेड पर है भाई, 1.31-36 फेवर हरियाणा। प्रदीप सवाल है रेड पर भाई, सेकंड सेमीफाइनल मैच भाई मैं मर्सिडीज एमडीबी ग्राउंड के नीचे काटे हुए टाइम रिक्वेस्ट करूं मैं मर्सिडीज एमडीबी नीरज नरवाल हमें जेट पर एमडीबी तरफ से 3 पॉइंट लास्ट 1 मिनट भाई अगले 36 एमडीयू 36 अगली टीम आखिरी सेमीफाइनल की एमडीयूपी और महम टीम तैयार रहे। देखो साथियों टाइम नहीं दिया जाएगा, कभी आप ये सोचोगे 10 मिनट 5 मिनट टाइम कुछ नहीं दिया जाएगा, जैसे ही आपका मैच खत्म हो जाएगा 36-32 और ये हरियाणा टीम लेनी है मेरी 5 पॉइंट। हरियाणा टीम फाइनल में पहुंच गई है, हरियाणा की टीम विनर हुई है।